नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट्स टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे आपकी राशि के बारे में और बताएंगे कैसा रहेगा अगस्त 2022 का महीना आपकी राशि के लिए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और इस राशिफल में आपको क्या क्या मिलेगा ये बताते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ, निजी ज़िंदगी, आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि अगस्त 2022 आपके लिए कहाँ कहाँ अच्छा और कहाँ कहाँ अनुचित प्रभाव दे सकता है और आपको किन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आइए समय नहीं लगाते, शुरू करते हैं अगस्त राशिफल 2022। तो दोस्तों, यदि आपकी राशि है मेष तो आइए आपकी बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना करियर के दृष्टिकोण से सामान्य रहने की संभावना है। आपके दशम भाव का स्वामी शनि एकादश भाव से गोचर करके इस महीने दशम भाव में वक्री अवस्था में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से मेष राशि के जातक इस अवधि में अपने कार्य को लेकर भरपूर मेहनत करते नजर आ सकते हैं। अगस्त महीने के पहले 15 दिनों के दौरान आपके चतुर्थ भाव में शुक्र और सूर्य की स्थिति से बिगड़े कार्यों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। इन दोनों ही ग्रहों की स्थिति की वजह से आपके लिए इस अवधि में कार्य क्षेत्र में नए रोजगार की संभावनाएं पैदा होंगी। इस अवधि में जो जातक नई नौकरी की तलाश में है उनकी यह तलाश पूरी हो सकती है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी समय अनुकूल रहने की संभावना है। वे जातक जो किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं या उसमें कार्यरत हैं और वो जिनका व्यावहारिक संबंध विदेश से है, उनके लिए भी यह अवधि लाभदायक साबित हो सकती है और इस दौरान उन्हें अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होने की संभावना है। अगस्त महीने के अंतिम 15 दिनों की अवधि के दौरान सूर्य का गोचर होगा और यह बुध के साथ युति करेंगे, जिसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। इस अवधि में मेष राशि के जातकों के लिए नए रोजगार के मार्ग प्रशस्त होने की प्रबल संभावना है। शिक्षा की बात करें तो उसके लिए अगस्त का महीना सामान्य रहेगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव में वक्री अवस्था में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पंचम भाव यानी कि संतान व शिक्षा के भाव में बुध ग्रह के होने से इस दौरान आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपनी बुद्धि का सहयोग मिलेगा, यानी बुद्धि का पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे आप अपने प्रतिद्वंदियों के बीच भी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रह सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं प्रथम भाव में मंगल ग्रह के साथ राहु के स्थित होने की वजह से उन लोगों को फायदा पहुंचने की संभावना है जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं या फिर विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके अलावा खेलकूद के क्षेत्र में भी मेष राशि के लोगों का प्रदर्शन संतोषजनक रहने की संभावना है। अब आइए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, जिसके लिए यह समय मिला जुला रहेगा। पहले 15 दिनों के दौरान चतुर्थ भाव में सुख यानी माता के भाव में शुक्र और सूर्य का गोचर की वजह से आपका पारिवारिक जीवन सुखद रह सकता है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच भाईचारे और प्रेम की वृद्धि रहेगी। परिवार में चल रहे किसी पुराने वाद विवाद को घर के सदस्य साथ बैठकर दूर करते नजर आ सकते हैं। इस दौरान आप अपनी बुद्धिमत्ता और परिपक्वता का परिचय देते हुए घर से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में महत्वपूर्ण किरदार अदा करते नजर आ सकते हैं। इसी वजह से आपके घर परिवार में शांति का माहौल स्थापित होने की संभावना है। आपके तीसरे भाव यानी कि पराक्रम और सहोदर भाव के स्वामी बुध आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से आपके संबंध आपके पिता व भाई बहनों के साथ मजबूत रहेंगे। विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का लाभ हो सकता है और अगस्त के महीने में आपके संबंध ससुराल पक्ष से मधुर रह सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसके लिए अगस्त महीने के शुरुआती 15 दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से सुखद रहेंगे। महीने की शुरुआत में ही पंचम भाव में बुध का संचार आपके संबंध अपने प्रियतम के साथ और भी मधुर बनाएगा। वहीं आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज आपके चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में शुक्र के साथ युति करेंगे, जिसकी वजह से आपको हमारी यह सलाह है कि आप अपने प्रियतम या जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय भाषा पर संयम रखें, अन्यथा संबंधों में खटास आ सकती है। किसी भी तरह का विवाद होने पर बजाय उग्र होने के उसे धैर्य रखकर व शांत रहकर सुलझाने का प्रयास करें। भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र के आपके चौथे भाव में होने से दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों में भौतिक सुखों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मेष राशि के जातकों को जरूरत है कि वे इस महीने अपने प्रियतम या जीवन साथी की समस्याओं को ध्यान से सुने व उनसे समझने का प्रयास करें। शुक्र ग्रह की अच्छी स्थिति होने की वजह से इस महीने प्रेम जीवन या दाम्पत्य जीवन में रोमांस और प्रेम भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो अगस्त का महीना आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना है। इस महीने दूसरे भाव में यानी कि धन व कुटुंब के भाव का स्वामी शुक्र चौथे भाव में
यानी कि सुख भाव में सूर्य के साथ स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुखों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। वहीं आपके कर्म भाव और आमदनी के भाव के स्वामी शनि देव के आपके दशम भाव में स्थित होने की वजह से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होने की संभावना है। इस दौरान आप अपने करियर में बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं। पेशेवर जातकों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है, तो वहीं व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है। हालांकि अगस्त के महीने में प्रथम भाव में मंगल के साथ राहु की मौजूदगी की वजह से आपको यह सलाह है कि आप इस महीने किसी को कर्ज ना दें और ना ही किसी प्रकार का कर्ज लें, क्योंकि लिए गए कर्ज को लौटाने और दिए गए धन को वापस पाने में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विदेश में या फिर विदेश से संबंधित कोई व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है। मेष राशि के जातक इस महीने धन संचय करने में सफल रह सकते हैं, इसी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो उसके लिहाज से अगस्त का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके छठे भाव में रोग भाव के स्वामी बुध अपने भाव से द्वादश भाव पर स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि में आप बाहरी खान पान से परहेज करें। पुरानी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो इस दौरान फिर से उभर सकती हैं। दौड़ भाग भरा जीवन आपको शारीरिक व मानसिक रूप से थकान दे सकता है। ऐसे में स्वयं के लिए समय निकालने की कोशिश करें, ताकि शरीर को कुछ आराम मिल सके, अन्यथा इसकी वजह से आप बीमार हो सकते हैं। इस महीने आपके छठे भाव यानी रोग के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से इस दौरान आप स्वयं से पहले दूसरों की भलाई में जुटे नजर आ सकते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ने की आशंका है। ऐसे में आपको हमारी ये सलाह है कि आप दूसरों की भलाई के चक्कर में स्वयं के स्वास्थ्य को नुकसान ना करें। अगस्त महीने के आखिरी 15 दिनों में सूर्य आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा, जिसकी वजह से आपको इस दौरान किसी पुराने रोग से राहत मिल सकती है। घर के किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में सुधार होता देखकर मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करें, भगवान हनुमान जी का चूरमा का भोग लगाएं, शनिवार के दिन शनिदेव जी के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, रविवार के दिन श्री सूर्य देव जी की आराधना करें। तो ये था आपका राशिफल 2022 का अगस्त का महीना। हम आशा करते हैं यह महीना आपके लिए शुभ और मंगलदायक साबित हो। आप सभी को डॉक्टर मृगांक शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉलो अवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ।